नमस्कार, आप है आईबीएन 7 के साथ और मैं पायल भुयन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह अचानक पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके पहुंच गए। यहां उन्होंने जोगमाता मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन करने के बाद राहुल ने पूरे मंदिर को देखा और इसके बाद मंदिर के सड़क पर सामान बेचने वाले रेहड़ी वालों के बीच पहुंच गए। हर रोज सुबह यहाँ सैकड़ों रेहड़ी वाले सस्ता सामान बेचने के लिए जुटते हैं। राहुल ने इन लोगों के बीच पहुंचकर रेहड़ी वालों से उनकी समस्याएं सुनी। रेहड़ी वाले है इस समय राहुल गांधी बीच में बैठ चुके हैं और अब लोगों से बातचीत करेंगे, इन लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे। और लोगों की अपनी समस्याएं बहुत हैं, आप मंडी में देख सकते हैं, बारिश का मौसम है इस समय, बारिश का पानी भरा हुआ है, पुराने कपड़े सड़क पर बैठकर लोग बेचते हैं और उन कपड़ों को बारिश में खराब भी हो जाते हैं। लोगों की यही कहना है कि किसी तरीके से बारिश का पानी रोकने का कोई इंतजाम किया जाए ताकि उनका जो रोजगार है वो प्रभावित होने से रोका जा सके। देखते हैं राहुल गांधी इन लोगों के बीच में आए, ये सिर्फ एक राजनीति है या इन लोगों को इसकी कोई राहत भी मिलती है। उम्मीद लोगों को इसलिए है कि ये जो शेड लगे थे, ये शेड अजय माखन जो यहाँ के स्थानीय सांसद थे, जब वो यहाँ पर माफ कीजिएगा स्थानीय विधायक थे रजौरी गार्डन के, तब लगवाए गए थे। कई साल पहले ये शेड लगे थे लेकिन अब टूट चुके हैं, जंगले हो चुके हैं जिसमें से पानी बीच में आता है और पानी के कारण यहाँ पर जो लोग अपना काम करते हैं उनको काफी दिक्कत होती है। तो क्या उनकी समस्याएं दूर होंगी, इन सब चीजों पर आज राहुल गांधी इन लोगों से बातचीत करेंगे और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इन लोगों की समस्या किस हद तक सुधरती है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली आईबीएन 7। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रघुवीर नगर में पटरी वालों के बीच पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने एक बुजुर्ग महिला को अपना मित्र भी बनाया, उनका हाथ पकड़कर साथ चले, क्या बातें हुई देखिए विक्रांत की इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी लोगों से मिले, उनके शेड देखे, अब यहाँ से जा रहे हैं, अपनी नई मित्र भी बताया, नई दोस्त बताया राहुल गांधी ने कि एक महिला जिनसे वो मिले थे कि वो उनकी नई दोस्त है और अब यहाँ से वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि निकल रहे हैं, लोगों में काफी जोश है लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उनकी समस्याएं किस हद तक सुधरती है और किस हद तक उन्हें आराम मिलता है। क्या उनकी ये बारिश की समस्या, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी है, लोग पानी में ही अपना सामान बेचने के लिए मजबूर है और कई तरह खुले, एकदम धूप इतनी तेज है, आप लोगों से भी बात करने, किस खुली धूप में बारिश में किस तरह ऐसे बैठते हैं बारिश के अंदर भी, और बारिश आ जाती है तो आधे अंदर चले जाते हैं और खड्डे पानी भरा कम, 50 आदमी की बैठने की जगह पानी की वजह से बैठ नहीं पाते। रोज पानी भर आए, अब राहुल गांधी आए हैं, उन्होंने कहा कि वो आपकी समस्याएं दूर करेंगे, तब देखेंगे करते क्या नहीं करते। कहने के आप लोग कहां से आए, आप लोग कहा जा रहे हैं, यहां पर ज्यादातर गुजराती समाज, सारे गुजरात के गुजराती है, यहां भी कोई दूसरा नहीं है, सारे गुजराती यहां। आप कहां से, आप भी गुजरात से? गुजराती है, देख सकते हैं कि ये सभी गुजराती समाज के लोग हैं और राहुल गांधी एक राजनीतिक संदेश भी इस मायने में देना चाहते हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ विक्रांत यादव, आईबीएन 7। और उधर राहुल गांधी के साथ रघुवीर नगर पहुंचे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन से विक्रांत ने बात की। अजय जी, कई तरह की दिक्कतें आज लोगों ने बताई। देखिए, दिक्कतें तो हैं और हम लोग इनके लिए संघर्ष करेंगे और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लोगों ने एक बड़ी समस्या ये भी बताई कि एमसीडी में हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। बिल्कुल, रिश्वतें देनी पड़ रही हैं और उसके लिए इनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जिसके लिए कानून भी बना है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। धन्यवाद। ये अजय माखन जिनका कहना है कि अब राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मुद्दे पर भी सड़क पर उतरेंगे, लेकिन ये इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो गुजराती समाज के लोग हैं, गुजरात से आए हुए लोग हैं रिफ्यूज यहाँ पर, और जो अपना सामान बेचते हैं गरीब लोग हैं और एक तरह से राजनीतिक संदेश भी राहुल गांधी अपने यहाँ पर आकर लोगों के बीच आकर देना चाहते हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली आईबीएन 7। और राहुल के इस पटरी पॉलिटिक्स को बीजेपी ने नौटंकी करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि संसद सत्र से पहले राहुल फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। देखिए, राहुल गांधी एक रेंट कॉज लीडर हैं और उसके लिए उनको फोटो ऑप की आवश्यकता पड़ती है। अभी वो अपने परिवार और सोनिया गांधी जी के साथ विदेश यात्रा करके आए हैं, छुट्टी मना के आए हैं लंदन में, उनका जन्मदिन था जब से गायब थे, अब वो आए हैं, मॉनसून सेशन है, फिर से उनको शुरू करना है नौटंकी, वो फिर से कर रहे हैं, वो फोटो ऑप और नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक विषय उठाया, ये गंभीर विषय है।
और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं विक्रांत यादव। विक्रांत, ये दौरा राहुल गांधी का उसी की याद दिलाता है जो वो एमसीडी कर्मचारियों के बीच जाकर बैठ गए थे जब एमसीडी कर्मचारी धरना दे रहे थे। लेकिन मानसून सत्र शुरू होने वाला है, बीजेपी का कहना है कि ये पटरी पॉलिटिक्स राहुल गांधी जानबूझकर करते रहते हैं। देखिए पायल, इस मामले में अगर हम ये कहें कि इसमें राजनीतिक संदेश भी था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनी वो जगह रघुवीर नगर। ये रघुवीर नगर की कपड़ा मार्केट है। अगर मैं दिखाना चाहूं कि यहाँ पर लोग अभी भी बैठे हुए हैं, अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी मंडी है जहाँ पर पुराने कपड़े लोग बेचते हैं, जो आमतौर पर आप देखते होंगे कि घरों में स्टील के बर्तन दे करके लोग पुराने कपड़े ले जाते हैं। तो वो पुराने कपड़े जो हम और आप उतार देते हैं, इन लोगों को दे देते हैं, वो यहाँ पर आकर कपड़े बिकते हैं और वो कपड़ा बेच करके ये लोग अपना गुजारा बसर करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर जो लोग हैं, ज्यादातर लोग, लगभग 90-95% लोग गुजरात से संबंध रखते हैं, गुजराती समाज के हैं। तो एक तरह से वो संदेश देना चाहते हैं, भले ही उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये सीधा संदेश है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आज देश के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पर जो गुजराती समाज के लोग हैं उनकी ऐसी दुर्दशा है जिसमें वो इस तरह की स्थिति में उन्हें रहना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, उनके पास सुविधाएं नहीं है। एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है। बिल्कुल विक्रांत, और साथ में ये भी बताइए कि क्या राहुल गांधी सिर्फ रघुवीर नगर ही में लोगों से मिलेंगे या फिर कहीं और भी जाएंगे आज? देखिए, यहाँ पर वो लोगों से मिले, उनका आधे घंटे का कार्यक्रम था यहाँ पर लोगों से मिलने का। लोगों से मिलने के बाद अब वो निकल गए हैं, कोई और कार्यक्रम नहीं है। बीजेपी भले इस पर राजनीति करने का आरोप लगा सकती है और ये कह सकती है कि फोटो ऑप की राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति की इसे जरूरत भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब आदमी विपक्ष में होता है इस तरीके के मुद्दे तलाश करता है। और राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा तलाशा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग 90-95% लोग गुजरात से संबंध रखने वाले लोग हैं। एक तरह से राहुल राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात के ताल्लुक रखने वाला शख्स आज देश का प्रधानमंत्री है, उनके रहते हुए देश की राजधानी में गुजराती मूल के लोग इस तरह की स्थिति में गुजर बसर कर रहे हैं। राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो शेड लगे हुए हैं ऊपर, जिसके नीचे वो बैठे हुए हैं, जिनकी हालत अब खराब हो चुकी है, जंग लग चुका है, टूट चुका है, पानी बारिश का नीचे आता है, तो ये सब चीजें कांग्रेस के अजय माखन ने लगवाया था और उसके बाद से स्थिति अब तक वैसी ही बदहाल। बिल्कुल, और जब आज राहुल गांधी गए तो उनसे भी लोगों ने अपनी शिकायतें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी।